हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस वीडियो को भी दो पार्ट्स में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है, पहले पार्ट 1 को अच्छी तरह देखिए, उसके बाद पार्ट 2 भी देखिए, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझिए। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपके राइट हैंड साइड पे टॉप में जो आई बटन है उसमें भी आपको उसको क्लिक करिए, वहां पे भी आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए। और हाँ, अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए। कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, उसके बाद हमें पढ़ना है इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और एंड में हमें पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ऑरेंजेस, लेमन जूस, दही, विनेगर यानी कि सिरका, टोमेटोज, ग्रेप्स, आंवला और कच्चे आम में क्या कॉमन है, तो आप सब कहेंगे कि ये सारे ही खट्टे हैं। राइट, कुछ थोड़े ज्यादा खट्टे हैं, कुछ थोड़े कम। राइट, ऑल राइट, सो ये खट्टे हैं, सार हैं टेस्ट में, क्योंकि इनमें है एसिड्स। यस, एसिड्स प्रेजेंट होने की वजह से इनका टेस्ट है सार यानी कि खट्टा। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये है बेकिंग सोडा। ये यूज होता है किचन में जब आप केक्स बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं और भी बहुत सारी डिशेज में। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट में बिटर है, कड़वा है। और अगर आप इसको पानी के साथ मिलाएंगे और इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो ये सोपी सोल्यूशन बना लेगा यानी कि झाग जैसी बना लेगा, जैसे साबुन के साथ बनती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी सॉल्यूशन बना लेते हैं पानी के साथ, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। यस, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी एवरीडे लाइफ में जहां हम बेसिस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोप्स, डिटर्जेंट्स जिससे हम अपने कपड़े धोते हैं, हमारा शैम्पू, कंडीशनर, हैंड वॉश और बहुत सारे क्लीनर्स जैसे फ्लोर क्लीनर्स या हार्पिक एट्सेट्रा, जो भी आप घर में यूज करते हैं, ये सारी चीजें बिटर इन टेस्ट हैं, कड़वी हैं, टेस्ट करके मत देखिएगा, और सारी ही पानी के साथ सोपी सॉल्यूशन बनाती हैं। इन सब में प्रेजेंट है बेसिस। ऑलराइट, तो हमें पता चल गया कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर हैं, कड़वे हैं और सोपी हैं ऑन टच, सोपी मतलब ऐसे, वो सोप सॉल्यूशन बना लेते हैं पानी के साथ। उन सब्सटेंसेस में बेस प्रेजेंट होता है और ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। ऑलराइट, ओके, तो हमने बात कर ली कि एसिडिक सब्सटेंसेस क्या हैं और बेसिक सब्सटेंसेस क्या हैं। अब थोड़ा डिटेल में एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो ये जो वर्ड एसिड है ये एक लैटिन वर्ड एसिड से डिराइव है जिसका मीनिंग भी सार ही है यानी खट्टा। और ये तो हम जानते ही हैं कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सार, खट्टा। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एसिड्स होता है उन्हें हम कहते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस, या फिर ये भी कि केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड्स इज एसिडिक। एग्जाम्पल्स हो गए कर्ड, लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, विनेगर, आंवला, टेमरिंड यानी इमली एटसेट्रा। ऑलराइट, ये हमने देख लिया। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस के बारे में बात की जो एसिडिक हैं। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लेमन, गलगल एट्सेट्रा, इन सब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? इनमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। याद रखना भी आसान है, सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रिक एसिड। ऑलराइट, कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच यानी पालक में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। आंवला सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। टेमरिंड यानी इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, इन सब में प्रेजेंट होता है टार्टारिक एसिड।
विनेगर यानी सिरके में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, और आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, यानी जब भी आपको चींटी काटती है और आपको उसकी पेन होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो आपकी बॉडी में एक एसिड रिलीज करती है और वो एसिड है फॉर्मिक एसिड। ऑलराइट, इसको एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएगा। सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच और या पालक में ऑक्सैलिक एसिड, आमला सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड, टैमरिन ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगो में टार्टारिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड और आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, अगर हम बात करें एसिड्स की क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन देयर सोर्स, यानी कहां से हमें वो मिलते हैं, तो वो क्लासिफाई होते हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स में और मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स में। नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स वो हुए जो हमें नेचुरली मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज से। हमने अभी बात की कर्ड में एसिड है, टोमेटोज में एसिड है, सिट्रस फ्रूट्स में एसिड है, विनेगर में एसिड है, आंट स्टिंग में एसिड है, इन सारी चीज़ों में एसिड है। और ये सब एसिड हमें मिलता कहाँ से है, ऐसी चीज़ों में जो प्लांट्स या एनिमल से डराइव्ड है। राइट, तो ऐसे एसिड्स हैं नेचुरल एसिड्स, जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड एट्सेट्रा। राइट, और वो एसिड्स जो इनऑर्गेनिक सोर्स यानी जो मिनरल्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे उनसे हमें मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड्स, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एसिड्स जो हैं ये यूजुअली डेंजरस होते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इन्हें हैंडल करते वक्त। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हम एसिड्स को उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो वो क्लासिफाई होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं वीक एसिड्स की। तो जो नेचुरल एसिड्स हैं या जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमारे फ्रूट्स में प्रेजेंट हैं, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट हैं, कर्ड में प्रेजेंट हैं, वो सारे एसिड्स वीक हैं और जनरली एडिबल हैं, हम उन्हें खाते भी हैं। राइट, हम इन सारे आइटम्स को खाते हैं, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, इसीलिए उन एसिड्स से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। सो दे आर क्लासिफाइड एज वीक एसिड्स, जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एट्सेट्रा। ऑलराइट, और अगर हम बात करें मिनरल एसिड्स की, तो यूजुअली जो मिनरल एसिड्स हैं वो सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ऑलराइट, और ये बहुत ही हाईली कोरोसिव होते हैं, डेंजरस होते हैं, और इनकी वजह से स्किन पे बर्न्स हो जाते हैं, आप जल जाते हैं अगर ये एसिड्स आपके ऊपर गिर जाते हैं। इनफैक्ट आपने एसिड अटैक के बारे में भी सुना होगा, उनमें भी यही मिनरल एसिड्स का यूज किया जाता है। ऑलराइट, और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। ऑलराइट, तो चलिए हमने एसिड्स के बारे में काफी सारी बातें कर ली, अब हम पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। तो हमें ऑलरेडी पता है कि बेसिस का टेस्ट क्या है, बिटर, कड़वा। ऑल्सो जब बेसिस को हम वाटर में ऐड करते हैं तो दे फील सोपी ऑन टच। राइट, सोपी सॉल्यूशन बना लेते हैं। एंड केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन बेस इज बेसिक, जिन सब्सटेंसेस में बेस होता है उन्हें हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऐसे सब्सटेंसेस का जो बेसिक हैं या जिनमें बेस प्रेजेंट है वो क्या क्या है, बेकिंग सोडा हो गया, आपका सोप्स हो गए, हैंड वॉश हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, शैम्पू, कंडीशनर, क्लीनर्स एट्सेट्रा। ऑलराइट, एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, इसको भी आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो हमने बहुत सारे बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में भी बात की, चलिए अब जान लेते हैं कि इन बेसिक सब्सटेंसेस में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा में प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर यानी कि चूना, विंडो क्लीनर में प्रेजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमारे सोप्स में प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक एंटासिड है जो हम तब लेते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, उसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, तो ये सारे बेसिस प्रेजेंट हैं इन बेसिक सब्सटेंसेस में, एक दो बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो नीदर एसिडिक हैं नॉर बेसिक। राइट, वो ना एसिडिक हैं ना बेसिक, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। एग्जांपल हो गया डिस्टिल्ड वाटर, सुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट एट्सेट्रा। ऑलराइट,
हमने बात की एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस की, ये भी बात की कि एसिडिक सब्सटेंसेस सार होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, और बेसिक सब्सटेंसेस बिटर होते हैं। पर हर सब्सटेंस को तो हम खा के नहीं देख सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे सब्सटेंसेस हार्मफुल भी होते हैं। ऑलराइट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर यानी जो इंडिकेट करता है। इंडिकेटर्स क्या हुए? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो यूज किए जाते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ऑलराइट, इंडिकेटर्स क्या है पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब ये जानना भी जरूरी है कि इंडिकेटर्स कैसे बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है। तो इंडिकेटर्स अपने कलर को चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में, यानी कि एसिडिक सब्सटेंस में कोई और कलर देंगे और बेसिक सब्सटेंस में कोई और कलर देंगे। वो अपना कलर चेंज कर देते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। ऑलराइट, तो इंडिकेटर्स जो हमारे पास हैं वो दो सोर्सेस से आते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल आप सबको पता है, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो नेचर में प्रेजेंट है। राइट, और सिंथेटिक वो जो मैनमेड होते हैं, जिन्हें केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है। सो नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है लिटमस, टर्मरिक यानी हल्दी, और चाइना रोज पेटल्स। और सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है फिनोफ्थलिन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो कि है लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज पेटल्स, ये एक फ्लावर है जिसको हम चाइना रोज कहते हैं, इसकी पेटल्स को यूज किया जाता है इंडिकेटर के लिए। टर्मरिक आप सबको पता है, हल्दी, हल्दी भी एक इंडिकेटर है, यस। और जो लिटमस है वो लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। और राइट, लाइकेन्स के बारे में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था। राइट, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस की। ऑलराइट, तो जो लिटमस है वो मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है। सबसे ज्यादा लिटमस का ही इस्तेमाल किया जाता है एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, और उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से, हमने ये बात कर ली। अब जो ये लिटमस है, लिटमस डाई है, ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी, और पेपर स्ट्रिप्स को हम लिटमस पेपर भी कहते हैं। आपने लिटमस पेपर के बारे में जरूर सुना होगा। चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये है लिटमस सॉल्यूशन जिसका कलर होता है मॉव और पर्पल। ऑलराइट, और ये है लिटमस पेपर जिन्हें दो कलर्स में बनाया जाता है, रेड और ब्लू। इन्हें दो कलर्स में हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाया जाता है, अदरवाइज इनमें भी वही डाई लगी होती है जो हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। ऑलराइट, और सॉल्यूशन के होते हुए भी हमने लिटमस को पेपर की फॉर्म में इसलिए बनाया क्योंकि पेपर जो है वो थोड़ा कन्वीनियंट होते हैं यूज करने के लिए। राइट, आप कहीं भी पेपर ले जाइए, अगर आपके पास लिटमस पेपर है तो आपको बस एक पेपर चाहिए और आप वहीं पे सॉल्यूशन में टेस्ट कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम लिटमस सॉल्यूशन को यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, और उसके बाद हम देखेंगे कि लिटमस पेपर का कैसे यूज किया जाता है। ऑलराइट, ऑलराइट, सो लिटमस सॉल्यूशन, तो ये मॉव और पर्पल कलर का सॉल्यूशन हमारे पास है, लिटमस सॉल्यूशन। और ये एक और सॉल्यूशन हमारे पास पड़ा है और हमें पता नहीं है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, हमें टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? दैट्स क्वाइट सिंपल, हम इस लिटमस सॉल्यूशन को लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और इसकी कुछ ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन में डाल देंगे और देखते हैं क्या होता है। हमने बात की थी कि इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। यस, यू आर राइट, बाय चेंजिंग इट्स कलर। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, हमने क्या देखा? इस सब्सटेंस का कलर तो रेड हो गया। राइट, जैसे ही हमने लिटमस सॉल्यूशन इस सब्सटेंस में डाला, इसका कलर रेड हो गया और इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। ऑलराइट, तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप लिटमस सॉल्यूशन डालें और उसका कलर रेड हो जाए तो आप समझ जाइए कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, चलिए एक और चीज देखते हैं। अब यहां हमारे पास एक और सॉल्यूशन है और अब हमें इसे टेस्ट करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक। हम फिर से वही करेंगे, इस लिटमस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे और नोट करेंगे
ओह, व्हाट वी फाउंड आउट, इस सॉल्यूशन का कलर तो ब्लू हो गया। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन बेसिक है। यस, तो अगर लिटमस सॉल्यूशन डालने पर किसी सॉल्यूशन का कलर बेस ब्लू हो जाए तो वो सॉल्यूशन है बेसिक। ऑलराइट, ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया कि अगर रेड हो जाए कोई सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन डालने पर तो वो सॉल्यूशन है एसिडिक, और वही सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन अगर ब्लू हो जाए तो वो है बेसिक। ऑलराइट, याद कैसे रखेंगे? क्वाइट सिंपल, अगर ब्लू हो गया तो बेसिक, बी टू बी, बी से बी, राइट? बेसिक में क्या हो जाएगा, अगर वो बेसिक है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, बी बी से याद रहेगा। ऑलराइट, और अगर एसिडिक है तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ए आर। आप इसको याद रख सकते हैं, ऐश्वर्या राय, ऑल ऑफ यू न्यू हर, राइट? तो ए से आर यानी एसिडिक है तो रेड हो जाएगा, एंड बी टू बी, बी टू बी तो ऐसे ही याद रह जाएगा कि अगर बेसिक है तो ब्लू हो जाएगा और अगर ए है एसिडिक है तो आर हो जाएगा, ऐश्वर्या राय, याद रहेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब है हमारे पास लिटमस पेपर, और ये लिटमस पेपर की मदद से हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन जो हमारे पास है इस पेट्री डिश में वो एसिडिक है या बेसिक। तो देखिए, यहाँ हमारे पास रेड लिटमस पेपर भी है और ब्लू लिटमस पेपर भी है, और इन दोनों ही लिटमस पेपर को हमने डिप किया है इस सॉल्यूशन में, राइट? और आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो रेड लिटमस पेपर है उसमें तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वो रेड ही है अभी भी। ये जो आपको थोड़ा कलर चेंज दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि वो सॉल्यूशन में डिप है, वो गीला हो चुका है। लेकिन जो ब्लू लिटमस पेपर था उसका कलर रेड हो गया, कलर चेंज हो गया, राइट? ऑलराइट, तो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर रेड हो जाता है, राइट? ए टू आर। अब यहां देखिए, तो जो रेड पेपर था वो तो रेड ही रहेगा, उसमें कलर थोड़ी ना चेंज होगा, पर जो ब्लू था वो भी रेड हो गया। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन एसिडिक है। ऑलराइट, आप समझ पाए? इसीलिए एक स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने कहा था कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, याद आया? यस, देखिए ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो गया, और किसमें हुआ, ये एक एसिडिक सॉल्यूशन में। इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशन में हम ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हैं उन्हें चेक करने के लिए। Why? क्योंकि रेड का कलर तो चेंज होगा नहीं, रेड तो रेड ही रह जाएगा, इसलिए हमें चेक करना हो तो हम ब्लू यूज करेंगे, क्योंकि ब्लू जो है वो रेड हो जाएगा, एसिडिक में रेड हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए एक और सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर भी हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और ब्लू लिटमस पेपर है, एंड लुक, जब हमने इसको इन सॉल्यूशन में डिप किया तो क्या हुआ, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन रेड लिटमस पेपर जो है वो जो पोर्शन आपने डिप किया था वो ब्लू हो गया, राइट? यहां क्या हुआ, रेड लिटमस ब्लू हो गया। हमने बात की थी कि बेसिक में क्या होता है, ब्लू, बी टू बी, यानी ये सॉल्यूशन क्या हुआ, बेसिक हुआ, तो ब्लू होता है इसलिए ब्लू में तो ब्लू ही रहा और जो रेड था उसमें भी ब्लू हो गया। ऑलराइट, तो अगर अब मैं पूछूं कि बेसिक सॉल्यूशन में हम कौन सा लिटमस पेपर यूज करते हैं, यस, हम रेड यूज करेंगे। व्हाई? क्योंकि ब्लू तो ब्लू ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, हमें तो कलर चेंज करके देखना है ना, तो हम रेड लिटमस पेपर यूज करेंगे। दैट मीन्स हम एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे और बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर यूज करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी हमने एक टेस्ट करके देखा है, ये एक ब्लू लिटमस पेपर था और उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स डाल दी लेमन वाटर की। लेमन वाटर क्या है, नींबू पानी, एसिडिक है, राइट? और जैसे ही एसिडिक की कुछ ड्रॉप्स डाली, यहां देखिए ये रेड कलर का हो गया, राइट? क्योंकि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू जो है वो रेड हो जाता है। आपको बस ये याद रखना है, लिटमस के केस में एसिडिक हमेशा रेड हो जाएगा, राइट? तो और यूज कौन सा पेपर करते हैं हम, ब्लू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बात कर ली लिटमस सॉल्यूशन की, राइट? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, मॉव और पर्पल कलर का होता है,
और जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या कलर हो जाता है, रेड, A2R, ऐश्वर्या राय, राइट। जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, राइट, B2B। याद रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन में रेड AR और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू BB। और वहीं हमने लिटमस पेपर के बारे में देखा कि लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, रेड और ब्लू, ऐसे, राइट। और एसिड्स में जो है इसमें भी वही केस है कि एसिड में जैसे यहाँ रेड हुए, यहाँ पे भी एसिड्स जो हैं लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। लेकिन चेक करने के लिए कौन सा यूज करोगे, ऑफ कोर्स इस कलर का ऑपोजिट, रेड नहीं यूज करोगे क्योंकि रेड तो कलर हो जाएगा ना, तो हम यूज करेंगे ब्लू। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो एसिड्स को, एसिड जो है वो रेड हो जाते हैं पर यूज कौन सा करेंगे हम, ब्लू लिटमस पेपर। बेसिस जो है वो ब्लू हो जाते हैं पर लिटमस पेपर कौन सा यूज करेंगे, रेड, राइट। इसीलिए हम कहते हैं एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इंटू ब्लू। ऑलराइट, ऑलराइट, आई होप अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको दोबारा देखिए, आई एम प्रिटी श्योर आप समझ जाएंगे। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा सकूं। ऑलराइट गाइज, यहाँ खत्म हो गया हमारा पार्ट वन। पार्ट वन देखने के बाद अब आप पार्ट टू देखिए। पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर जो आई बटन है उसे क्लिक कीजिए, वहां भी मिल जाएगा। ऑलराइट, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए।